तो वहीं शामली में भैंसवाल गांव में हो रही महापंचायत खत्म हो चुके हैं। महापंचायत में शामिल हुए आरएलजी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, तो जयंत चौधरी ने महापंचायत को संबोधित किया। जयंत चौधरी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा, सरकार किसानों का हित नहीं चाहती है। जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर सरकार पर हमलावर होते हुए ये कह दिया कि सरकार किसानों का हित चाहती ही नहीं है। तो जयंत चौधरी के शब्द जब उन्होंने शामली में जो महापंचायत बुलाई थी, इसके पहले तक तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि यहाँ महापंचायत होगी या नहीं, क्योंकि एक तरफ तो एसडीएम ने मना कर दिया, लेकिन वही ये जिद पर अड़े रह गए थे आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की महापंचायत होकर आएगी। और अब ऐसे में ये बयान, तुम तो वहाँ लाल किले पे पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, कोई किसान कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता, ये देख लो आज भी साबित कर दिया, तिरंगा लेके चल रहे हैं गांव में, दो झंडे लेके चल रहे हैं। हमारे भाई वापस लौटते हैं इसी तिरंगा में लिपटकर, और उसके घर के लोग आंसू भी नहीं बहाते, वो कहते मेरा देश के लिए गया, हमें गर्व है उस पर, ऐसी सोच रखते हैं। कल मैं गया था रामपुर, वहां नवरीत जी, बहुत सोनी शक्ल थी उनकी, बहुत सोना काम किया उन्होंने, उनकी आखिरी अरदास थी, बहुत भीड़ थी, बहुत पंजाब से लोग आए, हरियाणा से लोग आए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से कोई आके मुझे मिला, के मैं बड़ौद से आया, पीलीभीत से बहुत लोग थे। तो शामली में महापंचायत बुलाने को लेकर के पहले तो अटकलें जारी थी, क्योंकि एक तरफ जब ये कहा जा रहा था कि एसडीएम ने इस महापंचायत के लिए इजाजत ही नहीं दी है, क्योंकि पूरे इलाके में धारा 144 पहले से लागू थी, लेकिन आयोजन पूरी तरीके से चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि किसी भी कीमत पर यह महापंचायत होकर रहेगी, और अब यह देखा गया कि महापंचायत खत्म भी हो गई। तो इस महापंचायत में जयंत चौधरी ने सीधे तौर पर सरकार को भी घेरने का काम किया, सीधा निशाना सरकार पर किया गया आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से, और आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने यह कह दिया कि सरकार किसानों का हित चाहती ही नहीं है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए सचिन जौहरी संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो महापंचायत शामली में बुलाई गई, अब ये सीधा निशाना सरकार पर साधा गया, इसके बाद से जो महापंचायत में किसान थे उनका रुख इस पूरे मामले पर क्या रहा? देखिए, किसानों ने पूरी तरह से समर्थन किया है जयंत चौधरी का, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से धारा 144 लगी है उसको लेकर पूरी तरह से बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा है, प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर आगे भी इस तरह से आप करेंगे तो हम किसी तरह की अनुमति लेने वाले नहीं है, हम रुकने वाले नहीं है, और लगातार हम इस तरह की करेंगे। और सीधा यहाँ से जो अमरोहा में दूसरी पंचायत होने वाली है उसके लिए भी अपील की है कि इससे ज्यादा लोग होकर दिखाएं, और प्रशासन को इस तरह से हमें कोई भी अनुमति की जरूरत नहीं है जी। लेकिन सचिन, अगर जयंत चौधरी ने इतने खुले तौर पर ये ऐलान कर दिया और सरकार पर सीधा निशाना साधा है, तो इसको किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि अब तो लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो भी किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। जी बिल्कुल, आज जो पंचायत भैंसवाल में हुई है वहां पर पूरी तरह से, चाहे जो आयोजक है वो करते रहे कि किसी भी तरह से ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन वहां पूरी तरह से सपा और कांग्रेस सभी दल के नेता देखे गए हैं और पूरी तरह से समर्थन करते हुए नजर आए हैं जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जयंत चौधरी ने सरकार पर सीधे तौर पर शामली में निशाना साधा, और भैंसवाल गांव में जो महापंचायत बुलाई गई थी वो खत्म हो गई, और इसी महापंचायत में सरकार को घेरते हुए ये कह दिया गया है आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी की तरफ से कि सरकार किसानों का हित चाहती ही नहीं है। धन्यवाद।